वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम करेंगे एक और बड़ा जबरदस्त सा खुलासा, एंड ये खुलासा होगा एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट का, जिसको कि आप एज अ कंसीलर भी यूज कर सकते हो और एज इट इज भी यूज कर सकते हो, एज अ फाउंडेशन और एज अ बेस। फाउंडेशन तो नहीं बट एज अ बेस आप यूज कर सकते हो उसको। आपको मतलब कि ये प्रोडक्ट के अलावा आपको और किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं है अगर आप इसको ले रहे हो तो। ये बहुत ही एक्चुअली बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। ब्रांड तो अच्छी है ही है बट बहुत ही अफोर्डेबल भी है एंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। ये चीप है लाइक इन मॉनेटरी टर्म्स, बट अगर आप क्वालिटी की बात करेंगे तो बिल्कुल भी चीप नहीं है। बात कर रही हूँ ब्लू हेवन एक्सप्रेशन पैन स्टिक की। ये है एक पैन स्टिक और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। प्राइस की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 95 रुपीज का है। आपको ये इससे भी सस्ता मिल सकता है। लाइक 95 रुपीज में क्या आता है, लाइक 100 रुपीज में तो कुछ भी नहीं आता। और 5 रुपीज भी बच रहे तो आप उसका एक फन फ्लिप्स भी खा सकते हो या फिर ओएस खा सकते हो, तो दैट इज अप टू यू। इसकी क्वांटिटी की बात करें तो ये है 11.5 ग्राम्स, जो कि बहुत ही सफिशियंट है, बहुत ही ज्यादा ही है। द गुड थिंग अबाउट दिस ब्रांड इज दैट दे आर क्रुएल्टी फ्री। लाइक 95 रुपीज में आपको क्रुएल्टी फ्री मेकअप मिल रहा है तो और क्या चाहिए। एंड ब्रांड इज ब्लू हेवन, एंड ब्लू हेवन का आजकल तो बहुत ज्यादा ही, ब्लू हेवन ने अपनी गेम का लेवल हाई कर दिया है। उमा कुरेशी को भी बुला लिया अपने साथ। तो एक्चुअली ब्लू हेवन काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक, so this is how the packaging looks like. It says it is a makeup concealer stick which is 100% waterproof. So ye hai actually, maine isko try kiya tha and ye actually waterproof hai. To 95 rupees mein waterproof bhi mil raha hai to bahut hi achhi baat hai. Now mera 02 blush and this is how it looks like. Now the thing is ke ye hai peachy undertones mein, and agar aap isko as a under eye circle pe apply karte ho to peachy undertones, as we all know, are good for cancelling out the darkness under your eyes. Under eyes ke liye peachy undertones are best. The retractable पैकेजिंग में लाइक आप इसको रोटेट करते जाओ एंड प्रोडक्ट ऊपर आता जाएगा। सो नाउ व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि ये थोड़ा सा ड्राइंग है, तो अगर आपके फेस पे ड्राई फ्लेकी स्किन हो रही है या आपके फेस पे ड्राई पैचेस हैं, सो मेक श्योर यू मॉइस्चराइज इट, क्योंकि ये आपके फ्लेकी स्किन पे, क्योंकि आपके ड्राई पैचेस पे स्टिक करेगा। तो सो मेक श्योर यू मॉइस्चराइज योर फेस और यू एक्सफोलिएट योर फेस सो दैट जो ड्राई स्किन है वो निकल जाए। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू मॉइस्चराइज माई फेस एंड देन आई विल अप्लाई इट ऑन माई स्किन। एंड जहां में भी मेरे फेस पे कंसीलर की रिक्वायरमेंट है, पिगमेंटेशन है, डार्कनेस है, आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस। एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट आउट विद माय ब्रश। नाउ द थिंग व्हिच आई हैव नोटिस्ड इज कि ये ब्यूटी ब्लेंडर्स से एनीवे वर्कआउट नहीं करता है, एंड मुझे वैसे भी ब्यूटी ब्लेंडर ज्यादा अच्छे नहीं लगते, एंड ये ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही बियर्डली ब्लेंड होता है, तो इसलिए आई डोंट लाइक टू ब्लेंड इट विद ब्यूटी ब्लेंडर्स। प्लस ये एक्सट्रीमली ब्लेंडेबल है, लाइक यू कैन सी, लाइक अभी हम बात ही कर रहे थे एंड ये ब्लेंड हो गया। लाइक इट इज वेरी वेरी ब्लेंडेबल, विच इज अ वेरी नाइस थिंग, यू नो। तो नाउ यू कैन सी के मेरे फेस पे कितनी अच्छी कवरेज आ गई है, एंड यू कैन सी के अंडर आई सर्कल्स में कितना ज्यादा डिफरेंस लग रहा है, लाइक सीरियसली। एंड जो भी एक्ने स्पॉट्स थे मेरे यहाँ पे वो भी काफी अच्छे से कंसील हो गए हैं। वैसे बिल्कुल भी पैची, केकी, यू नो, कुछ भी इस टाइप का नहीं है, बहुत ही इजिली ब्लेंड हो गया मेरे फेस पे एंड बहुत ही अच्छी कवरेज भी दे दी है, तो और क्या चाहिए भाई। आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन रेस्ट ऑफ माई फेस। यू कैन लेयर इट अप, तो इजिली लेयर भी हो जाता है। एंड अगर आपको एज अ फाउंडेशन चाहिए तो आप थिन लेयर में लगाओ तो वो आपका फ्लॉलेस सा फाउंडेशन लगेगा। हमें फेस लुक्स आफ्टर वर्ड्स बहुत ही फ्रेश और यू नो नाइस लग रहा है, एंड कवरेज काफी अच्छी है इसकी। अंडर आईज बहुत ही नाइसली इसने कंसील कर दिया है, एंड एक्ने स्पॉट्स को भी काफी हद तक इसने कंसील कर दिया है। तो आई थिंक अगर आप इसको एज इट इज भी लगाते हो तो भी काम हो जाएगा, आपको फाउंडेशन की भी जरूरत नहीं है। सो या बात करते हैं इसके प्रोस के बारे में। ये बहुत ही ब्लेंडेबल है, इसकी कवरेज बहुत ही अच्छी है। मेरा जो शेड है नंबर 2 वो पीछे अंडरटोन्स में है, जो कि डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए बहुत ही अमेजिंग है। प्लस ये ब्लेंड ब्रांड, विच इज अ वेरी ह्यूज थिंग, क्योंकि गुड ब्रांड्स जो होती हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को एक्चुअली टेस्ट करती हैं तभी लॉन्च करती हैं, ऐसे ही लॉन्च नहीं कर देती हैं। तो इट्स डोंट टेस्ट देयर प्रोडक्ट्स ऑन एनिमल्स। रेंज भी बहुत सारी है एंड इजिली अवेलेबल है, आपके लोकल मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगा।
अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा है, विच इज अ वेरी नाइस थिंग. वाटरप्रूफ सोप, व्हाट एल्स यू नीड. इट इज एक्चुअली, के कॉन्स की बात करें तो मुझे सिर्फ एक ही इसका कॉन नजर आया है, जो कि है कि ये अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है तो आपको या तो बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज और एक्सफोलिएट करनी पड़ेगी अपनी स्किन, वरना ये आपकी स्किन के ऊपर यू नो स्टिक हो जाएगा. बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये सीरियसली आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा एक वरदान टाइप सा है, क्योंकि ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है. बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता है स्किन पे, एंड बिल्कुल थोड़ा सा ड्राइंग है तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही अमेजिंग रहेगा. टुडेज रिव्यू, आई होप यू गाइस फाइंड दिस हेल्पफुल. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी हिट कर देना, एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और हाँ कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना अपने थॉट्स, और एंड जस्ट टेल मी दैट हाउ आर यू गाइस सो दैट वी कैन कनेक्ट अ लिटिल बिट. सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय.